हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ आपको कि आप कुकर में परफेक्ट राइस किस तरीके से बना सकते हैं। मतलब जो राइस हैं वो आपस में चिपके भी नहीं और बहुत अच्छे बने। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप चावल और 1 टीस्पून घी। अब सबसे पहले चावल बनाने के लिए हम इन चावलों को अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार। ये देखिए, मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है। अब इन चावलों को 10 से 15 मिनट तक हम पानी में इसी तरीके से भीगने देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब इन चावलों को प्रेशर कुकर में डाल दें। अब पानी डालेंगे इसमें, 1 कप चावल में 1/4 कप पानी डालना है। ये देखिए 1 कप और ये 1/2 कप से कम। अब जो 1 टीस्पून घी लिया था उसको भी डाल देंगे। घी डालने से जो चावल हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अब घी को चावलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर को गैस पर रखकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक चावलों को पकाएंगे। कुकर में 1 से ज़्यादा सीटी बिल्कुल ना आने दें, नहीं तो चावल ज़्यादा पक जाते हैं। 1 सीटी आने के बाद कुकर को ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब 1 सीटी आने के बाद मैंने कुकर को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब ये देखिए चावल कितने अच्छे बने हैं। अब ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें खाइए दाल के साथ और आप इनसे फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनेंगे इनके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।